नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद, और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। अगर आपने कंस्ट्रक्शन वाला हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का, तो प्लीज आप उसे भी देख लीजिए, ताकि आपके जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, हालांकि बहुत ये सबसे सिंपल चैप्टर है, तो बेसिक जो है आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप उसको देखते हैं। मैं जैसे मतलब मैं देख रहा हूं इतने जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें सबसे अच्छा, सबसे सिंपल, पूरे मार्क देने वाला यही चैप्टर है। इस एक्सरसाइज पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 है, इसमें सिर्फ तीन कॉन्सेप्ट है। तीन कॉन्सेप्ट कौन से है? तीनों कॉन्सेप्ट में हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। पहला है टेंजेंट जब हम ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल को, तो बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेकंड वाला है बाय नॉट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब उस समय हम सेंटर को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगला वाला है कि सर्कल के बाहर किसी आउटसाइड पॉइंट से आपको ड्रॉ करना है, मतलब तीन कंडीशन आने वाली है कि सर्कल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो सर्कल का सेंटर यूज कर रहे हैं, वो कंडीशन एक। दूसरी, जब आप सर्कल के किसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है पर आप सेंटर यूज नहीं कर रहे, दो। और तीसरा, एक सर्कल के बाहर से एक पॉइंट है और वहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वहां से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हमने सर्कल में पढ़ा है, ठीक है। तो बस तीन कॉन्सेप्ट है, तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन देके रखे। अभी जैसे यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके रखा है और उसका सेंटर है ओ, और आपको अगर कहा जाए कि एक सर्कल है, उसकी कुछ रेडियस है और उस रेडियस का आप सर्कल बनाएंगे और उसके बाद में आप उस सर्कल को की टेंजेंट खींचिए, तो बहुत सिंपल है। सपोज मैं यहां ए ले लेता हूं और मुझे ए पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए के ऊपर परपेंडिकुलर खींचूंगा। हमें पता है टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हमने थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। तो मैं यहां इसको रख लेता हूं, यहां रख के मुझे दो आर्क कट करना है, एक यहां पर एक आर्क कट करना है, ठीक है, और एक आर्क यहां कट करना है, यहां रख के एक आर्क इधर कट करना है, ठीक है। ये दो आर्क कट कर लिए मैंने, ठीक है। अभी दो आर्क कट करने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है, यहां रखना है, यहां रख के एक आर्क इधर कट कीजिए, यहां रखिए, यहां रख के एक आर्क इधर कट कीजिए, और बस आपको ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये वाला, मतलब ये वाला पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर का और ये वाला जो पॉइंट है, ये इनको मिला के आपको ए यहां पर टेंजेंट खींच लेना है, बस ये हो गई आपकी टेंजेंट। बताइए, इससे सिंपल कोई और कॉन्सेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कंडीशन ऐसी है कि यहां पर हमको सेंटर यूज नहीं करना है। अगर आपको सेंटर यूज नहीं करना है तो देखिए, अगर मैं यहां पर एक ऐसी टेंजेंट खींचता हूं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा या फिर ये एंगल इसके इक्वल होगा, ओके। हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में पढ़ा है ना, वो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले क्या कीजिए कि आपको क्या करना है, यहां पर ये जो एंगल है वही एंगल आपको यहां ड्रॉ करना है, तब जाके यहां पर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और वो टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, विदाउट यूजिंग द सेंटर में आपको पेज नंबर 97 पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देके रखिए कि आप सर्कल ड्रॉ कीजिए, टेक एनी पॉइंट ऑन इट, वहां से एक आपको एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेना है, फिर उसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ कर लेना है और फिर उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। मैं यहां पर अपने हिसाब से कुछ नाम दे देता हूं, PQR। अब देखिए यहां पर ये जो एंगल है कौन सा वाला, अगर मैं इसे लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसे लेता हूं तो ये वाला जो एंगल बन रहा है इस आर्क में बन रहा है, तो यहां पर एक ऐसा एंगल बनेगा, यहां वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं यहां रख के एक आर्क कट करता हूं, ठीक है, थोड़ी बड़ी आर्क लेते हैं, मतलब थोड़ा सिंपल रहेगा, आपको भी समझ में आएगा, और अब यहां रख के वही आर्क आपको यहां कट करना है, हो गया। अब इसका मेजरमेंट ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए, आपने जो आर्क कट की है ना इसका नाम दे दीजिए, इसको ए दे दीजिए, इसे बी दे दीजिए, इसे सी दे दीजिए और इसे डी दे दीजिए, बस। अब क्या करना है आपको, ये जो एंगल जितने का है उतना मेजर कीजिए, यार कितनी है, इतना ही है, ठीक है, उतना ही एंगल आपको यहां से ड्रॉ करना है, यहां पर,
ठीक है, यहां पर एक आर्क कट कीजिए उसके लिए, ताकि वो एंगल इक्वल आ जाए, बस हो गया कट। क्या करना है आपको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के आपको लाइन खींच लेना है बस, तो आपका टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और अगर आप चाहें तो आप इसे मेजर कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल सेम आएगा। ठीक है, चाहे तो हम अपना जो ये है उसको क्लियर कर ले डाउट को, कितने डिग्री का एंगल ये बन रहा है। देखिए यहां पर अगर मैं इसे रखूं तो ये करीबन जाता है 62 के आसपास है। चलिए यहां रखते हैं, देखते हैं, देखिए 62 के आसपास जा रहा है। ठीक है, मतलब जो एंगल हमने बनाया है वो करेक्ट है, 62-63 के आसपास। ठीक, तो दो तरह के टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिए, व्हेन द सर्कल सर्कल सेंटर इज गिवन एंड व्हेन सेंटर इज नॉट गिवन। ठीक है, मैं अगला कॉन्सेप्ट बताने के पहले हम पहले अपने जो प्रैक्टिस सेट है उस पर आते हैं। प्रैक्टिस सेट में क्या लेके रखा है, अब देखिए इसमें एक चीज आपको आपके मन से करना है, और वो क्या है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल सी बात है। मैं यहां लिखते बैठू उससे अच्छा वो आप लिख सकते हैं कि ड्रॉ अ सर्कल, ओके, टेक द सेंटर ओ, जो भी रेडियस हो वैसा ड्रॉ करना। अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमें प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन देके रखे हैं उनको देखते हैं। जो थर्ड कॉन्सेप्ट है कि आउटर आउटर पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि उस पर बेस्ड सिर्फ दो क्वेश्चन है, वो भी लास्ट के है। तो हम क्या करेंगे, आप पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम जो आउटर पॉइंट से कैसे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स वो हम देखेंगे। यहां पर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि यहां पर एक सेंटर दिया है तब आप ड्रॉ करें, और जब सेंटर नहीं दिया है तब आप कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रैक्टिस सेट के वहां देके रखा है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर पी एंड रेडियस 3.2 एट एनी पॉइंट एम ऑन इट। क्या करना है, 3.2 रेडियस का एक सर्कल खींचना है। ठीक है, तो मैं 3.2 रेडियस की एक लाइन खींच लेता हूं, यहां पर पहले रेडियस ड्रॉ कर लेता हूं, 3.2 की मैंने रेडियस ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूं, और हमें किस पॉइंट पे खींचना है, हमें पॉइंट पे खींचना है दैट इज एम, मैं इसको नाम दे देता हूं एम। ठीक है, एक काम करते हैं पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि सर्कल ड्रॉ करना जरूरी है। ठीक है, इसकी रेडियस ले लीजिए ऐसी, ये हो गया सर्कल, कितने का हो गया 3.2 सेंटीमीटर का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 4.2 का, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 की हमने क्या बना ली, यहां पर रेडियस का सर्कल बना लिया। अब एक काम करते हैं, जो लाइन हमने खींची है ना, इसको ये रेडियस हमने खींची, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको बाहर तक खींच लो, इसको ओ ए नाम दे दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, टेंजेंट खींच रहे हैं, बहुत सिंपल है, इस पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यहां रखते हैं, एक आर्क यहां कट करते हैं, यहां रख के एक आर्क यहां कट करते हैं। ठीक है, थोड़ा हल्की हो, ठीक है, और अब दोनों जगह से हम क्या करते हैं, यहां पर एक आर्क यहां से यहां खींचते हैं, एक आर्क इस साइड आर्क कट करते हैं, और यहां रखकर एक आर्क यहां कट करते हैं, और ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को एम से हम क्या करेंगे, यहां पर लाइन खींच लेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ताकि वो बन जाए टेंजेंट, बस हो गया है। ठीक है, थोड़ी तिरछी लाइन आपको लग रही होगी, ठीक है, ओके, ठीक, तो बस इस तरह से करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं तो क्या बोलता है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7, ड्रॉ अ टेंजेंट टू सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। यहां ये बताया नहीं कि आपको सर्कल का सेंटर यूज करना है कि नहीं करना, फर्स्ट में भी नहीं बताया था, तो जैसे 3.2 का मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही आपको जो 2.7 का वैसे ही बनाना, मतलब जैसे मैंने 3.2 ड्रॉ करके किया है ये वाला क्वेश्चन, वैसा का वैसा आपको सेकंड वाला करना है। तो सेकंड वाला मुझे नहीं लगता कि मुझे वो ड्रॉ करके आपको बताना है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं, आगे देके रखा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6, ओके 3.6 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग सेंटर। ओके, सेंटर यूज करना नहीं है, ठीक है, पर उससे पहले अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको इरेज करके हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इस मेथड से करेंगे जैसा इसको किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3.2 रेडियस का हमको सर्कल ड्रॉ करना है, तो पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है। ठीक है, रेडियस क्या देखे रखी सर्कल की, 3.6 सॉरी, तो रेडियस देखे रखी है 3.6, हमें 3.6 का एक सर्कल बनाना है, 3.2 नहीं सॉरी, ओके मैं इसको इरेज कर लूं, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकंड तो आपको डायरेक्ट करना है, थर्ड वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूं।
हमें काम करते सिर्फ सर्कल हमको बनाना है, इसके लिए हम सेंटर ले लेते हैं, सर्कल बनाने के बाद हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो 3.6 आपको लेना है इसमें, ठीक। 3.6 में ले लेता हूं, इसमें ये हो गया 3.6, ठीक है। यहां रख के मैं 3.6 ड्रॉ कर लेता हूं, ये 3.6 का सर्कल हो गया। मैं इसको सेंटर को इरेज कर लेता हूं। क्या करना है, एक कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करनी है, मैं कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर, सीधी एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। देखिए क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3.6 सेंटीमीटर, पहली स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सेकंड क्या है कि ड्रॉ अ कॉर्ड सीडी, ठीक है। टेक एनी एंगल, एनी ड्रॉ एनी इंस्क्राइब्ड एंगल, यहां पर एक इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो हम इसके इक्वल यहां पर एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर यहां रख के हमको आर्क कट करना होगी, वही मेजरमेंट लेके इसको ना बदलते हुए यहां पर एक आर्क कट करना होगी। इसको मेजर कर लीजिए कितना है ये, जी आता है। तो यहां से हम आर्क कट करेंगे इस साइड, देखिए आ गया। बस इस पॉइंट से आपको यहां पर टेंजेंट खींच लेना है, बस जी हो गया काम। देखिए कितना सिंपल था, मैं इसका नाम दे दूं ए, और जो हमने आर्क काटे हैं उसके भी नाम दे दीजिए पी क्यू आर एस। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं इनको पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, इनको ज्वाइन कर दूं, तो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कॉन्वर्ट आएगा साइड 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 से, क्योंकि मेजरमेंट सब सरीके है एक जैसे, ठीक है। तो अगर आप इसे लिखना चाहे, अगर इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहे, तो ये टेक दी स्क्रीनशॉट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लेके रखा है, ड्रॉ अ सर्कल 3.3, पढ़ लेता हूं मैं क्वेश्चन पहले। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ 6.6 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको ड्रॉ करते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या देख रखा है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर रेडियस का हमको सर्कल ड्रॉ करना है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या देखिए रखी है, दैट इज 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ड्रॉ अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6, ओके पी क्यू ड्रॉ करना है, दैट इज 6.6 सेंटीमीटर। आगे क्या बोलता है, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट। अच्छा टेंजेंट के बारे में आपको आपका ऑब्जर्वेशन निकालना है, लिखना है। अब अगर थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया, तो पहली बात तो 3.3 का डबल है 6.6, मतलब ये जो कॉर्ड है ये सर्कल का डायमीटर है, पी क्यू जो बनेगा ना वो सर्कल का डायमीटर बनेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 3.3 या 6.6 की डायरेक्ट ही लाइन खींच लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है। यहां पर हम 6.6 डायरेक्टली लाइन खींच लेते हैं, 6.6 यहां आएगा और ये खींच लिया मैंने 6.6, और उसका आधा यहां पर कहीं होगा 3.3, ओके। क्या करते हैं, यहां रख के उसका मेजरमेंट ले लेते हैं इतना, इधर रख के इतना, ओके। यहां रख के हमको एक सर्कल पहले बना लेना है, ठीक है। चलिए देखिए बन गया सर्कल, इसकी रेडियस में ले लेता हूं, यहां पर लिख लीजिए O, ठीक है। हमको P और Q बोला है, तो एक जगह P ले लीजिए, एक जगह Q ले लीजिए, और यहां लिख दीजिए दैट इज 3.3 सेंटीमीटर इधर भी और 3.3 सेंटीमीटर यहां भी। अच्छा मुझे बताइए, यहां पर लिखा है क्या कि सर्कल का सेंटर यूज नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब सर्कल का सेंटर यूज करने वाली बात नहीं कही है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बाहर तक खींच लेता हूं, थोड़ा इधर ड्रॉ कर लीजिए, और वैसे ही हम थोड़ा सा इसको इस साइड ड्रॉ कर ले, ठीक है। ऐसा इसलिए किया है कि अब इजीली हम यहां पर बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट। क्या करना है, यहां पर आप रखिए इसको, यहां से एक आर्क यहां कट कीजिए, यहां एक आर्क कट कीजिए, वैसे यहां रखिए एक आर्क यहां कट कीजिए, यहां पर एक आर्क कट कीजिए, ठीक है। इसको बढ़ा लीजिए, बढ़ाकर एक आर्क यहां कट कीजिए, यहां रखकर एक आर्क यहां कट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बराबर फिर से करता हूं मैं, वैसे यहां रखिए, यहां से एक आर्क कट कीजिए, यहां रखिए, यहां से एक आर्क कट कीजिए, बस। अब क्या करना है, आपको यहां पर दोनों के दोनों टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कीजिए ड्रॉ,
ये पहली टेंजेंट ड्रॉ हो गई और ये दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। ये दूसरी टेंजेंट देखिए, ये 90 का है, ये 90 का है। अगर दोनों एंगल 90 के हो गए तो भाई ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाएगी, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी। उसने बोला है ना हमको कि राइट योर ऑब्जर्वेशन, सो द ऑब्जर्वेशन इज बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.3, ओके, ड्रॉ इट्स डायमीटर विच इज 6.6 एंड दैट इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल पी क्यू, नेम इट पी क्यू, ड्रॉ वन परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट पी बाई यूजिंग सेंटर एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट क्यू बाई यूजिंग सेंटर, दीज आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ हमें देके रखा है ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर विद रेडियस 3.4, ये 3.3 का है, वो 3.4 का हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसको अब हम करते हैं, उससे पहले आप इसे लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, ताकि आप आराम से बैठ के बाद में इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कीजिए, ठीक है। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या देके रखा है, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 3.4, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको रेडियस क्या देके रखी है, दैट इज 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल हमको ड्रॉ करना है। आगे क्या बोलता है, ड्रॉ अ कॉर्ड MN 5.7, ओके, हमें MN ड्रॉ करना है, दैट इज 5.7 सेंटीमीटर। और क्या बोलता है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट पॉइंट्स MNN, ओके, मतलब वही बात है, हमें काम करते हैं पहले यहां पर 3.4 का एक सर्कल बना लेते हैं, सॉरी एक रेडियस ड्रॉ करके रखते हैं, 3.4 देके रखा है, यस 3.4 से लेकर के मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए O, ठीक। यहां हम क्या करेंगे, यहां एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, सर्कल ड्रॉ हो गया। हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कितनी, यहां मैं लिख देता हूं उसको 3.4 सेंटीमीटर। टेंजेंट कितने की है, टेंजेंट है 5.7 की, ठीक है। टेक पॉइंट M हियर और 5.7 का आर्क लो, इसमें कितने का लेना है, 5.7 का इसमें मेजरमेंट लेके यहां रख के हम एक आर्क कट करते हैं। ये आपने आर्क कट कर ले, मतलब ये जो आएगा ना, ये होगा 5.7 का 7 की कॉर्ड, ठीक है। ये 5.7 की कॉर्ड हो गई, इसको नाम दे दो N, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहां कहा है कि हमको कि सेंटर यूज नहीं करना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां सेंटर से इसको जोड़ने वाली एक लाइन इधर खींच लो और एक लाइन इधर खींच लो। चलिए लाइन खींचते हैं, यहां से एक लाइन यहां खींच लेते हैं और यहां से एक लाइन यहां खींच लेते हैं, ये दो लाइन हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों जगह पर हमको यहां पर इस पर इस पर परपेंडिकुलर खींचना है। तो बहुत सिंपल है, यहां रखिए, एक आर्क यहां कट कीजिए, एक आर्क यहां कट कीजिए, थोड़ा बड़ा कीजिए, यहां रख के एक आर्क यहां कट कीजिए और यहां रख के एक आर्क यहां कट कीजिए, वैसे यहां कीजिए, यहां रख के दो आर्क कट कीजिए सेम मेजरमेंट की यहां पर, ओके, पॉइंट एम पर रखकर। अब क्या होगा, इसका थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसको यहां रख के एक आर्क इधर कट कीजिए, यहां रख के एक आर्क यहां कट कीजिए, देखिए बराबर नहीं आया तो उसको फिर से कर लीजिए, ओके, ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन खींच लो, बस हो गया, ये हो गया इसके ऊपर, ये हो गई एक टेंजेंट और ये हो जाएगी यहां पर दूसरी टेंजेंट। और यहां पर लिख लीजिए 5.7, क्योंकि ये 5.7 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो बस इस तरह से इसको करना था, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। देखिए मुझे सभी लोग कमेंट पर कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत आप जल्दी से ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन डालिए, बहुत सिंपल है ये, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम पहुंचते हैं आगे। आइए अब सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवन्थ क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, जो देके रखा है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहां पर, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर पी विद रेडियस 3.4, ओके। सर्कल की रेडियस क्या है, सर्कल की रेडियस है दैट इज 3.4 सेंटीमीटर का हमको सर्कल बनाना है, ठीक है, पहली बात।
टेक अ पॉइंट क्यू एट अ डिस्टेंस, ओके रेडियस का इसका पॉइंट क्या है, इसका सेंटर क्या है, सेंटर इसका लिख लीजिए, सेंटर इज एट पी, और पी क्यू का डिस्टेंस कितना देके रखा है, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर, ओके और क्या बोलता है, टेक अ पॉइंट क्यू एट अ डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्यू, हमें क्यू से सर्कल पर टेंजेंट खींचना है। तो सबसे पहली बात, हमें जो सर्कल दिया है 3.4 का, तो 3.4 का सर्कल बनाने के लिए हमें काम करते हैं 3.4 की यहां पर एक पहले रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। मैं 3.4 से ज्यादा ही ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैं ज्यादा ड्रॉ करता हूं, मैं इसका नाम देता हूं यहां पर P, और Q कितना है 5.5, 5.5 पर भी मैं मार्किंग करके रख देता हूं और 3.4 पर भी मैं मार्किंग करके रख देता हूं 3.4, ओके यहां पर मैं नाम देता हूं P और इसे देता हूं Q, ठीक है, इसको आप एरो लगा दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे हम इसे इस रेडियस का जो 3. कितना देख रखा है रेडियस 3.4 देख रखा है, 3.4 रेडियस का मैं पहले सर्कल ड्रॉ कर लूं, ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं सर्कल, यहां रखते हैं, ये बन गया सर्कल। अब मुझे Q से इसके ऊपर टेंजेंट खींचना है, Q से अगर टेंजेंट खींचना है तो क्या करना है आपको, आपको P और Q जो देके रखा है ना, आपको उसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, और P और Q टोटल 5.5 का है, ये पूरा कितना है P और Q, ये है 5.5 का, ठीक है, तो 5.5 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले ड्रॉ कीजिए। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मोर देन हाफ हम लेते हैं और आर्क कट करते हैं। लेट मी चेंज दिस स्केच पेन, क्योंकि कलर एक जैसा हो जाएगा, फिर बाद में वो नहीं आए, ठीक है, इसमें टेक रेड कलर, मोर देन हाफ लीजिए इसमें, ठीक है, मोर देन हाफ थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, बाहर बने सर्कल के तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां एक आर्क कट कीजिए, यहां पर नीचे एक आर्क कट कीजिए, फिर यहां रखिए, यहां रख के एक आर्क इधर कट कीजिए और एक आर्क नीचे कट कीजिए, बस। आपको अब आपको क्या करना है कि जो आपने आर्क कट की है वहां से आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन पहले खींच लीजिए, ठीक है, ये हो गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या करना है, आपने ये जो ड्रॉ किया है इस पर रखकर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, इस पे रख के आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है पी, मतलब इसको एक नाम दे दो, इसका नाम दे दो भाई, इसको दे दो आर कर दो इसको, ठीक है, आर क्यू रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लो, आर क्यू बोलिए या आर पी बोलिए दोनों चलेगा, ठीक है, ठीक है, ये बन गया सर्कल, ठीक है। अब ये जो एग्जिस्टिंग सर्कल है उसको जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना उस पॉइंट को कुछ नाम दीजिए, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको दे दीजिए बी, और बस वहां से एक लाइन खींच लीजिए दोनों जगह, क्यू से मिलाने वाली ये एक हो गई टेंजेंट, पहली टेंजेंट, और यहां से बनेगी दूसरी टेंजेंट। देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब इसका जो अगला वाला क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि वहां देके रखा है ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 एंड कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 किलोमीटर। ओके, मतलब आपको ऐसे ही 7.3 की यहां पर एक ड्रॉ कर लेना है, इसको जाने दीजिए आगे तक, यहां 7.3 को मार्किंग कर लीजिए, ठीक है, और रेडियस 4.1 था तो 4.1 कीजिए, इसको नाम दे दीजिए पी, इसको दे दीजिए ओ, इसको दे दीजिए क्यू, यहां एक सर्कल बनाना है, और फिर वैसे जो काम हमने यहां किया है ना वही काम आपको यहां करना है। तो ऐसा आप जो लास्ट क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, बहुत सिंपल ही एक्सरसाइज है, कोई बहुत ऐसा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए मैंने एक ही इसमें ये पूरा एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन कर दिया। 7 क्वेश्चन है, लेकिन 7 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन एक जैसे है, आप अगर रेडियस भी चेक करें तो 3.5 का ही है, कहीं 3.3 है, कहीं 3.4 है, तो भाई एक ही इसके बना के आप सीख लीजिए, बाद में आप आराम से किसी भी आपको रेडियस का कहा तो आप ड्रॉ करके कर लोगे। तो 3 कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट था कि सर्कल का सेंटर यूज करके आप टेंजेंट खींचे, विदाउट सेंटर आप यूज कीजिए, और बाहर सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट हो तो वहां से आप कैसे टेंजेंट खींचेंगे, 3 टाइप के टेंजेंट आपको खींचने का इसमें सीखा है आपने, ठीक है। और इसके बाद आगे प्रॉब्लम सेट देख रखा है, आप प्रॉब्लम सेट 4, मुझे लगता है प्रॉब्लम सेट 4 अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं कि पहले प्रॉब्लम सेट 4 में अपलोड करूं तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए,
ताकि फिर मुझे उसका आइडिया मिल जाए तो मैं उसके हिसाब से फिर वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत सिंपल चैप्टर है, ये आप इजीली कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा हमारा स्लो चल रहा है अभी, जो अपलोडिंग का काम स्लो चल रहा है, हर हफ्ते भर में 2-3-4 वीडियो को जाते हैं जो भी आते हैं। अब आपका पोर्शन 80% से ऊपर हो गया, अभी आराम से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि साथ में 8th और 9th का सिलेबस भी करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी। अपने सारे दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस हमारी फैमिली को और बड़ा कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी, धन्यवाद।